वर्ल्ड जीएम सर चैनल, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो आप लोग अभी 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। आप लोगों के लिए ये लेसन एकदम नया नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सीखने का लेसन है। 6th में आप लोगों को फ्रैक्शंस हमने सिखाया था। फ्रैक्शंस में सभी पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव साइड नहीं होता है। और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही नेगेटिव नंबर आ जाए तो क्या होगा, नया नाम हम लोग क्या देंगे उसको, ये नंबर्स के बारे में आज आप लोग सीखने वाले हैं। तो सीखने से पहले आप लोग अभी तक जो पुराने सीखे हुए हैं पिछली क्लासों में आपने नंबर्स के बारे में, उसको आपको एक बार रिकॉल करना होगा। जैसे कि नेचुरल नंबर्स जो प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक उनका वैल्यूज हम लेते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं उसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। और ये 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं जो 0 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर के साथ में हम एक 0 लगा देते हैं तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। तो होल नंबर्स के अंदर 0 है और नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स इसके अंदर हैं और इंटीजर्स हैं। यहाँ पे इंटीजर्स में 0 और नेगेटिव नंबर्स हैं। होल नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम एक 0 को लिख के एक और एक बॉक्स बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं उसके इंटीजर्स के अंदर। और उसके बाद रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में आप लोग देखेंगे कि नेगेटिव डेसिमल नंबर वो सब आप लोग दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को डेसिमल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये आप लोग सीखने वाले हैं। आप लोग एक किताब और पेन अपने पास रखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए जाएं। और मोबाइल में अगर आप देख रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का क्लास चलते समय स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके बाद हम उसको बाद में देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए इस चैनल में तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में प्लेलिस्ट में जाइए। और अब तक इस चैनल में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, तो आप लोगों को जो जो टॉपिक इसमें से यूज़फुल लगे उसके सारे वीडियो देखें और कंटेंट को ध्यान से देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे चैनल के अंदर बहुत सारे आपके लिए यूज़फुल जानकारी है जिससे आपका मैथ जो है एकदम पक्का हो सकता है। तो सारे वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, आप देखिए, अपने फ्रेंड्स को देखने को कहिए, शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट, इस चैप्टर को सीखने के बाद में आप लोग का नॉलेज किस लेवल तक होगा ये अभी आपको मैं बता देता हूँ। ये पूरा चैप्टर सीखने के बाद में आप लोग का लर्निंग आउटकम्स होगा टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी फॉर एक्सटेंडिंग द फ्रैक्शंस टू रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शन से रैशनल नंबर तक जाने का आपको क्या ज़रूरत पड़ा, इसके बारे में आप लोग सीख जाएंगे। टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग सीख जाएंगे। टू अंडरस्टैंड
दैट बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर देयर लाइज मेनी रैशनल नंबर। आप लोग ये समझ जाएंगे कि दो जो रैशनल नंबर आपको दिए गए हैं उसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ये आप समझ जाएंगे। टू लर्न एंड परफॉर्म द फोर बेसिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, आप लोग चार बेसिक ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस जो मैथ्स के हैं, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये फ्रैक्शंस में आप लोगों को हमने सिखाया है, पिछले दो सालों से सिखाते आ रहे हैं स्कूल में और अभी आगे सिखाएंगे। तो बेसिक नॉलेज अगर आपका पक्का है तो आप लोग बहुत ही इसको जल्दी सीख जाएंगे, टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। थोड़ा सा ही फर्क होगा, रैशनल नंबर में आपको नेगेटिव नंबर नहीं होता है और रैशनल नंबर में आने के बाद नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, इतना ही फर्क है। तो ऑलरेडी फ्रैक्शंस के लिए करीबन 13 वीडियो हमने इस चैनल के अंदर बना दिए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन का डेफिनेशन से लेके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तक के सारे वीडियो आप इसके अंदर अवेलेबल है, आप लोग उसको देखिए और आपका बेसिक जो है उसको स्ट्रांग कर लीजिए मैथ्स के अंदर। टू सॉल्व दी वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ऑल ऑपरेशंस, ये सीख लेने के बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ऑल ऑपरेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, जिसके अंदर सभी प्रकार के जो है ऑपरेशंस मिक्स होंगे, तो उनको पढ़कर आप सॉल्व कर लेंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद में। टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर, देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप सीखते हुए आ रहे हैं बचपन से, जैसे होल नंबर्स का प्रॉपर्टी, नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टीज एंड नंबर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी, और इंटीजर्स तक आप लोग सीखते हुए नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का आप लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टी सेवेंथ तक सीखा है। वो प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये सब सीखते हुए आप जो है आ रहे हैं और इसी प्रॉपर्टीज़ को आप जो है रैशनल नंबर के अंदर भी सीखने वाले हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप लोग इसके अंदर सीखेंगे। सो टू नो हाउ टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन विद ऑलमोस्ट 3 ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट वाले जो सम्स हैं जिसको हम बॉडमास यूज करके सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा सा चेंज होके इस साल आप लोगों के लिए हमने बनाया गया है। तो जब भी ये टॉपिक हमारे सामने आएगा तो मैं आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग जो है, ये एक डायलॉग दिया हुआ है आपके इसके अंदर, फ्रैक्शन है, देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए इसको बता देता हूँ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन को ध्यान से देखिए। तो ये कॉन्वर्सेशन जैसे ही खत्म होगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग नया क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर। तो परी और सेतु दो जने इस कॉन्वर्सेशन को कर रहे हैं। माई डियर फ्रेंड सेतु, आई हैव डाउट अबाउट द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, कैन यू प्लीज क्लियर द डाउट, टेल मी परी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। वी नो अबाउट द फ्रैक्शन राइट, फ्रैक्शंस लाइक 1/4, 1/2, 2/3, 3/4 आर ऑब्वियसली क्लियर दैट 1/4 रिप्रेजेंट्स 1 out of 4 पार्ट्स, 1/2 इज 1 out of 2 पार्ट्स एंड सो ऑन, बट वेर आर दे ऑन द नंबर लाइन। तो पार्ट्स कितना है, पार्ट्स का नॉलेज हमको फ्रैक्शन को देखने से ही पता चल जाता है, लेकिन नंबर लाइन पे वे कहाँ पे होते हैं ये जानना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जान लेने के बाद में बहुत आसान हो जाता है। सेतु, पर इज इट इजी टू आइडेंटिफाई वेयर दे आर ऑन द नंबर लाइन, द फ्रैक्शंस यू हैव गिवन हियर आर प्रॉपर फ्रैक्शंस आर एंड दे, एज वी नो प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ग्रेटर देन 0 बट डेफिनेटली लेस देन 1। देख लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, हम सबको अच्छी तरह से पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है और 0 से बड़ा होता है, यानी इसका न्यूमरेटर जो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगा। यस आई डू एग्री दैट सेतु, तो अगर आपको पता नहीं है कि प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में ही आएगा तो कम से कम अभी आपको अभी जान लेना चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू वेयर दे लाई ऑन द नंबर लाइन, सी द लाइन
दैट आई हैव ड्रॉन फॉर यू। देखिए नंबर लाइन है, नंबर लाइन में जो बेसिकली माइनस वन जीरो और वन हम लिख लेते हैं। कभी भी जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करें तो आप लोगों को ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि जीरो सेंटर में पहले लगा लें, और जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो जैसा कि ये जो भी फ्रैक्शंस हैं, जो हमने तीन फ्रैक्शन लिए हैं वो जीरो और वन के बीच में है, इसलिए जीरो लगा लिया, राइट में प्लस वन और लेफ्ट में माइनस वन लगा लेंगे। अब वन बाई फोर जो है, तो फोर आने की वजह से हमने जीरो और वन को जो है फोर पार्ट में इक्वल, फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि वन टू थ्री फोर, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले कैसे डिवाइड करना है ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जब भी चार पार्ट में डिवाइड करना हो तो पहले उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बीच में एक पॉइंट लगा के दो पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, फिर दोनों पार्ट को फिर से दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो चार पार्ट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें डिवाइड करते समय। तो वन बाई फोर, तो पहला जो चार में से जो पहला पार्ट है वो वन बाई फोर होगा, जो दूसरा पार्ट है वो टू बाई फोर होगा, और जो तीसरा पार्ट है वो थ्री बाई फोर होगा, और जो फोर्थ पार्ट है वो वन होगा, यानी फोर बाई फोर वन होता है, और जो बीच का एग्जैक्टली बीच का पार्ट है वो हाफ भी होता है। तो जैसे ही टू बाई फोर हमने लिखा वो वन बाई टू है, और जीरो को हम जीरो बाई फोर भी लिख सकते हैं। एज यू सी हियर परी, वन बाई टू इज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ जीरो एंड वन, वेर इज वन बाई फोर इज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ जीरो एंड वन बाई टू, एंड ऑल्सो थ्री बाई फोर इज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ वन बाई टू एंड वन। ऑल्सो वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन जीरो एंड वन रफली इन टू थ्री इक्वल पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट्स रिप्रेजेंट इज टू बाई थ्री। इज इट क्लियर नाउ? देखिए ये जो थ्री पार्ट्स का आ रहा है, अगर बाई थ्री हो तो थ्री इक्वल पार्ट्स में आप लोगों को डिवाइड करना होगा। फाइन, परी बोलते हैं फाइन, इट्स वेरी क्लियर हाउ नाउ। आई थिंक दैट दिस फ्रैक्शंस वन बाई फोर कमा वन बाई टू कमा थ्री बाई फोर एंड टू बाई थ्री ऑल्सो करस्पॉन्ड टू द डेसिमल। और जैसे ही हम फ्रैक्शंस का नॉलेज अच्छी तरह से हमें आ जाता है तो हम डेसिमल में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.25, 0.50 जो 1/2 है, 0.75 जो 3/4 है, और 2/3 जो है 0.66 है इसका वैल्यू। एम आई करेक्ट सेतु? यस यू आर करेक्ट। ये जो भी डेसिमल पॉइंट है परी ने एकदम करेक्ट बताया, इसलिए उसने करेक्ट उसको बोला है। बाय द वे आई थिंक दैट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस 13/5, 10/3, 31/7 एक्सेट्रा should be converted into mixed fractions as 2 3/5, 3 1/3, 4 3/7 respectively, so as to locate them easily to the number line as the given below. तो देखिए improper fraction को mixed fraction में कैसे change करना है, इसका एक अलग से video आपके लिए हमने तैयार किया है, improper conversion of improper to mixed fraction। उस video को आप देखिए और इसको ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। अब इनको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देख लीजिए। नंबर लाइन एज दी गिवन बिलो, तो नंबर लाइन लिख लेंगे, ड्रॉ करेंगे जीरो लिख के, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए जीरो के लेफ्ट में खाली एक नेगेटिव नंबर लिख लेंगे और राइट में बहुत सारे पॉजिटिव नंबर चार पाँच लिख लेंगे। और 13/5 जो है वो 2 and 3 के बीच में आएगा, तो 2 and 3 के बीच में टोटल कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे 2 and 3 को कितने पार्ट्स में, देखिए 5 है यहाँ पे, तो 5 है तो हम 5 पार्ट में उसको जो है डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 है तो उसको 5 पार्ट में आप डिवाइड करो तो आपको समझ में आएगा कि कितने पार्ट में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर को देख के हम उसको डिवाइड करते हैं, तो 5/5 जो है पार्ट में डिवाइड हो गया, और थर्ड पार्ट जो है वो आपको 3/5 देगा। 13/5 में 2 तो पहले से ही आ गया 2 और 3 के बीच में, और 3/5 जो है थर्ड पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सो 3/5, और वो जो पॉइंट जहाँ हमने लगाया वो जो 13/5 को बता रहा है, इसलिए 13/5 हमने उधर लिख दिया है। वैसे ही 10/3 यानी 3 1/3, तो ये जो नंबर है 10/3 वो 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे, और 1/3 जो है पहला पार्ट जो है वही 1/3 है, तो 3 1/3, 3 के बाद पहला पार्ट, और जो हमें नंबर मिलेगा वो जो है 10/3 होने वाला है, इस बात पे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट 31/7।
तो 31/7 को नंबर लाइन में हम लोग कैसे बताएंगे, तो इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 31/7 जो है वो 4 और 5 के बीच में आ रहा है, 4 3/7। सो 4 के बाद 3/7 हमको कहाँ बताना है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 और 5 को 7 पार्ट में डिवाइड, बीच के जो स्पेस है उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम लोग, 7 इक्वल पार्ट्स में। और 4 तो डिनोट हो चुका है, बाकी बचा 3/7। 4 तक 28 आ चुका है, फिर 29/7, 30/7, 31/7। तो ऐसे करके आप जो है 31/7 को डिनोट कर सकते हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। तो अच्छी तरह से मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ चुके हैं, क्योंकि शुरू से हम 0/7, 1/7, 2/7, 3/7 ऐसा नहीं लिखेंगे। 4 से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पता चल जाएगा कि 4 जो है वो 28/7 है। सो 28/7 के बाद 3 आपको करना होगा, और 7 पार्ट्स में हमको ईच यूनिट को डिवाइड करना होगा। ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सीखेंगे, यही बात जो है आप लोग 8th स्टैंडर्ड में आके समझ सकते हैं। तो अब तक सेतु और परी के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ उसको आप समझ चुके हैं। तो आगे वो बोल रहे हैं कि यस परी, यू आर राइट हियर, इट इज क्लियर दैट 13/5 लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 10/3 lies between 3 and 4, whereas 31/7 lies between 4 and 5। तो ये कैसे इसके बीच में आता है ये मैंने भी आपको बता दिया है। परी सेतु, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। ए 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू द टोटल ऑफ ₹35 फॉर ए कॉस्ट, हाउ मच डस ईच वन कॉन्ट्रीब्यूट। अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने 35 रुपीज़ किसी काम के लिए किसी कारण से उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, तो हर एक स्टूडेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। देखिए, इट इज सिंपल, ईच वन्स कंट्रीब्यूशन इज 35/50। हर एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन कितना है वो, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है वो। तो 50 में से 35 लोगों ने, या 35 का कंट्रीब्यूशन हुआ है। जब भी इसका सिंप्लीफाई फॉर्म हम करेंगे तो सिंप्लीफाई टू दी 7/10 को 7 के टेबल में, सॉरी 5 के टेबल में हमने दोनों को डिवाइड किया है, तो 5 में ये 7 टाइम्स और ये 50 जो है 10 टाइम्स आ जाएगा। ऑफ ए रुपी, एक रुपी का जो है 7/10 यानी विच इज 70 पैसे, और 70 पैसे हर एक का जो है कंट्रीब्यूशन इसमें मिल रहा है। व्हाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन हियर परी, परी ने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों पूछा, ऐसा सेतु पूछ रहा है। वेट सेतु, टेल मी व्हाट इफ द 50 स्टूडेंट्स हैव डेब्ट ऑफ 35, शैल आई डिनोट इट बाय नेगेटिव साइन। अगर ये 35 जो है वो नहीं देके ऐसे ही छोड़ देते हैं या बाद में देने की बात करते हैं, तो क्या उसे -7/10 हम डिनोट कर सकते हैं क्या, ये आपसे पूछा गया है। आई ऑल्सो थिंक एस वी हैव सीन द एक्सटेंशन ऑफ द होल नंबर्स टू इंटीजर्स, दिस नेगेटिव फ्रैक्शन नीड टू बी अकोमोडेटेड समवेयर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे इनको आप लोग कहाँ पे डिनोट करेंगे, तो अभी टीचर का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो रहा है। परी एंड सेतु, आई हैव बीन लिसनिंग टू योर कॉन्वर्सेशन फॉर व्हाइल नाउ, यू हैव ऑलमोस्ट गॉट एवरीथिंग करेक्ट। नाउ वी नो दैट जीरो एक्ट एज द मिरर टू द नेचुरल नंबर्स, राइट ऑफ जीरो टू रिफ्लेक्ट द नेगेटिव इंटीजर्स, लेफ्ट ऑफ जीरो। देखिए, ये राइट ऑफ जीरो जो है वो लेफ्ट ऑफ जीरो पे और राइट ऑफ जीरो का मिरर इमेज है। जीरो के जो राइट साइड में है सेम वैसा ही उसको हम
लेफ्ट साइड में करके दिखा रहे हैं। साइन जो है नेगेटिव डालना, ये आप लोगों को समझना है। बाय द सेम वे वी कैन इंडिकेट द नेगेटिव फ्रैक्शंस ऑन टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। तो अभी तक जो पॉजिटिव नंबर, सेवन सेंटेंस में पॉजिटिव नंबर आप लोगों ने सीखा है कैसे डिनोट करना, अभी यही स्टैंडर्ड में आप लोग जो है ये सीख रहे हैं नेगेटिव नंबर को डिनोट करना। जीरो के लेफ्ट में ये डिनोट होगा, और ये माइनस वन बाई फोर, माइनस टू बाई फोर, माइनस थ्री बाई फोर, जैसा ऊपर पॉजिटिव नंबर में डिनोट हुआ है वैसा ही यहाँ पे नीचे नेगेटिव नंबर के लिए हमने डिनोट किया है। ये ध्यान देने का बात है। ऑब्जर्विंग द अबव कॉन्वर्सेशन वन कैन सी द नीड ऑफ द नेगेटिव फ्रैक्शंस कमिंग इन टू द सिस्टम ऑफ नंबर्स दैट वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट। तो देखिए अभी लेट अस नो रिकॉल अबाउट फ्रैक्शंस। अभी तक जो आप लोगों ने पिछली क्लास में सीखा है उसको हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के हिसाब से लेके जो भी कुछ आपने मतलब सीख के यहाँ पे आए हैं उसको हम एक बार रिकॉल कर देते हैं और आपका एक नॉलेज को जो है पक्का कर देते हैं, ताकि इसमें कोई अगर डाउट हो किसी बच्चे को तो वो आगे का सीखने से पहले अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है पक्का कर लेगा। तो देखिए ये कुछ फ्रैक्शंस दिया हुआ है मेरे पास, ये भी नोट किया हुआ है, और इसको जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग फ्रैक्शन में हमको इन बॉक्सेस में लिखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है, और नेगेटिव फ्रैक्शन। एक्चुअली नेगेटिव फ्रैक्शन होता नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं लिख के अदर्स लिख लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। देर इज़ नो नेगेटिव फ्रैक्शन, देर इज़ नो वर्ड लाइक दिस, इसलिए हम अदर्स में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे अभी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जान से आप लोग समझ, छोटा है और न्यूमरेटर छोटा है। देखिए 6/7 और 9/12 को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा है, क्योंकि इनका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ये आपको यहाँ पे समझना होगा और उस प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लिखना होगा। वैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप लोग देखेंगे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है ना। वैसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में QR/D कोशियंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर, कोशियंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर फॉर्म में ये लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में माना जाएगा। और अदर फ्रैक्शंस के अंदर जो पॉजिटिव से अलग नंबर है वो आएंगे ऐसे, इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये सभी ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। फ्रैक्शंस जो है पॉजिटिव आ जाए तो प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, या पॉजिटिव रैशनल नंबर और इसको बोलेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है ना। इसके बारे में आपको ध्यान से सुनकर समझना और पॉइंट को नोट करना है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को पहले क्वेश्चन क्या है वो हम समझा देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से आप समझ लो, क्वेश्चन क्या होगा। सेकंड जो प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है वो आप लोगों को अभी बताना है। तो इसके लिए और 24/36 को जो हमने क्या किया, देखिए 2 के टेबल में डिवाइड किया 12 टाइम और 18 टाइम, और 12 को 6 के टेबल में डिवाइड किया 18 को, और 12 को 2 टाइम 3 टाइम, तो फाइनल आंसर आपको 2/3 मिला। जो 8/12 का मिला वही आपको 2/3 है, वही 16/24 का मिला, 32/60 का नहीं मिला, और 24/36 के लिए 2/3 मिल गया। तो इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। और नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 125/200। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 125/200, को हम पहले एक एक का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो 125 का प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किया 5 के टेबल में 25 टाइम, फिर से 5 के टेबल में 5 टाइम, फिर से 5 के टेबल में 1 टाइम। ऐसे ही 200 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 2 के टेबल में 100 टाइम, 2 के टेबल में 50 टाइम, फिर से 2 के टेबल में 25 टाइम, और 2 के टेबल में 5 के टेबल में 5 टाइम, 5 के टेबल में 5 1 टाइम,
और प्राइम फैक्टर दोनों का कंप्लीट हो गया है। ऊपर जो है 5 × 5 × 5, नीचे 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ऐसा करके हम जो है उसका प्राइम फैक्टर लिखने के बाद में ऊपर और नीचे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ऊपर जो बचेगा उसको लिखेंगे, नीचे जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5/8। और दूसरा मेथड से हम इसको कर सकते हैं, कोई भी मेथड से कर सकते हैं हम ये देख लेंगे कि दोनों जो है 25 का मल्टीपल है, तो 125 का मल्टीपल है और 200 भी 25 का मल्टीपल है, इसलिए 25 के टेबल में 125 5 टाइम डिवाइड करेगा, इसलिए इंटू 5 25 × 5 लिखेंगे, और 200 को 25 × 8 लिख के दोनों 25 को कैंसिल कर देंगे, तो 5/8 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम रिड्यूस टू दी लोवेस्ट फ्रैक्शन हम करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा विच इज बिगर, फोर्थ प्रॉब्लम जो है विच इज बिगर, आप लोगों के लिए विच इज बिगर फोर्थ प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करेंगे। 4/5 और 8/9 दोनों में से कौन सा बड़ा है वो अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। 4/5 और 8/9 दोनों को हम इस प्रकार से नीचे नीचे लिख लेंगे, 4/5 और 8/9 दोनों को लिख के 8/9 का जो डिनोमिनेटर है 9, उसको 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8/9 को 4/5 में जो डिनोमिनेटर है 5, उससे 8/9 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा, ये आपको समझना होगा, क्यों करते हैं हम ऐसा, क्योंकि दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने से पहले हमें ये देखना होगा कि वो लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर देखेंगे हम, दोनों का डिनोमिनेटर अगर बिल्कुल अलग है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन माना जाएगा। तो दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, यही बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसी को नहीं समझ पाते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हुए जाते हैं। तो एक बार ध्यान से, भले ही 2 मिनट आपको समझने में इसमें ज़्यादा लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बराबर क्लियर करते हुए बचपन से जाते हैं तो बड़ी क्लासों में आने के बाद आप छोटी छोटी गलतियां नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कोई भी ऐसी जो पॉइंट है, कैलकुलेशन है, उसको आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से उसको करके देखेंगे, अपने हाथ से खुद से करके देखेंगे और समझेंगे, तभी इसका आपको जो है पक्का नॉलेज मिलेगा। तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरे के फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसके डिनोमिनेटर को पहले वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और इसके डिनोमिनेटर से दूसरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है 45 45 हमें सेम मिले। तो 4 9 36 5 9 45 आएगा पहले फ्रैक्शन का, और 8/9 में 5 × 5 करने से 8 5 45 और 9 5 45 का लाइक फ्रैक्शन आप लोगों को कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप बता सकते हो कि 40 ज़्यादा है 36 से, इसलिए 8/9 बड़ा होगा 4/5 से। तो इस प्रकार से जो है फोर्थ सम आपका एकदम इजीली सॉल्व हो गया है। ये सब जो है छोटी क्लासों में आप सीख के आते हैं, इसलिए जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं सीखा हो या भूल गया हो तो एक बार उसके लिए हम लोग रीकैप कर रहे हैं, बस यही कारण है। अगर आप नहीं सीखे हुए हैं तो अभी सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अभी कम से कम सीख लेना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट ऐड द फ्रैक्शंस, ऐड द फ्रैक्शंस में आप लोगों को 3 अनलाइक फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसको हम कैसे ऐड करेंगे ये देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके लिए इसको जो है सॉल्व करके बताया है, ध्यान से आप देखिए। ऐड द फ्रैक्शंस, 3/5 + 5/8 + 7/10, तो 5, 8 और 10 का एलसीएम पहले फाइंड कर लेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग जो है एलसीएम फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 का टेबल लेते हैं, कभी भी ऑर्डर में लेंगे प्राइम नंबर को 2, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया है कि नेक्स्ट जो है और 4 खाली एक बार ही आया है, तो सीधा 2 बार 2 2 लेने से अच्छा कि एक बार 4 ले लें हम, तो इसीलिए हमने ऐसा लिया है।
पहले टू से डिवाइड, अगर कोई एक नंबर भी टू से डिवाइड होता हो तो पहले हम टू ही लेंगे और उसके बाद से जैसे हम सिचुएशन देख लेंगे, एक बार में ही सीधा फोर लेने की ज़रूरत है तो सीधा वही ले लेंगे आप लोग, और फोर लेंगे तो फाइव जो है फोर के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, सीधा लिखेंगे फोर वन टाइम फाइव सीधा लिखेंगे ऐसे ही, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होगा, और उसके बाद खाली फाइव ही ऐसा नंबर बच जाएगा जो हम फाइव लेने से उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें जो है टू कमा टू इंटू फोर इंटू फाइव एल सी एम, टू फोर जो है एट, एट फाइव जो 40 हमें एल सी एम मिल जाएगा, और हम इसको जो है सभी अनलाइक फ्रैक्शन को अभी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हर एक फ्रैक्शन को कैसे ज़रूरत है डिनोमिनेटर में 40 लाने के लिए, उस हिसाब से हम ले लेंगे और उसको जो है मल्टीप्लाई करते हुए फाइन कर लेंगे। ध्यान से देखिए, पहला स्टेप होगा 3/5 में डिनोमिनेटर में 40 चाहिए, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 40 मिलेगा, इसलिए 3/5 को 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस 5/8, 5/8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 40 मिलेगा, इसलिए 8 इसको 5/8 को 5 × 5 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे, आगे चलेंगे प्लस लिखेंगे 7/10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 40 मिलेगा, इसलिए इस फ्रैक्शन को 4/4 करने पे हमें जो है 40 मिल जाएगा, इसलिए लाइक फ्रैक्शन मिल जाएगा, इसलिए इसको अभी लिख के ब्रैकेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए जाएंगे, 3/8 = 24/8/5 = 40 प्लस 5/5 = 25/8/5 = 40 प्लस 7/4 = 28/10/4 = 40 लिख के नीचे एक बार जो है अभी सभी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए नीचे 40 लिख लेंगे एक ही बार में, और ऊपर पहले दो को ऐड करेंगे, बाद में तीसरे नंबर को उसके साथ ऐड करेंगे, दो को ऐड करने पे 49 प्लस थर्ड नंबर 28/40, और दोनों को ऐड करने पे 49 प्लस 28 को ऐड करने पे 77/40 मिलेगा, इक्वल टू इस फ्रैक्शन को जो है अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे, वन टाइम 40 डिवाइड हो जाएगा, 37 रिमाइंडर बचेगा, सो 37/40 लिख के ये इसका आंसर जो हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ सम हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सिक्स्थ प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लीफाई 1/8 माइनस ब्रैकेट में 1/6 माइनस 1/4, तो इसका मैं आपको वीडियो बता देता हूँ कैसे सॉल्व किया हमने, वो बता देता हूँ मैंने आपको। तो 1/8 माइनस ब्रैकेट में 1/6 माइनस 1/4, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे, 1/8 आप पहले ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस ब्रैकेट में जो 1/6 और 1/4 है दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम जो है 12 होगा, क्योंकि ऐसा नंबर आपको पता लगाना है कि जो 6 के टेबल में भी आए और 4 के टेबल में भी आए, तो 800 में आ जाने के बाद कम से कम आप ये सीधा पता कर ही सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 के टेबल में भी आए 4 के टेबल में भी आए, तो आसानी से आप बता सकते हो कि वो 12 होगा, तो एलसीएम 12 होगा, और 6 के टेबल में 12 जो है वो 2 टाइम जाएगा, इसलिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लिखेंगे, और 12 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स आएगा, इसलिए यहाँ जो न्यूमरेटर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 = 3 होगा, और 2 − 3/12 इसका आंसर आएगा, बाद में 2 − 3 को माइनस करने के बाद में −1/12 आएगा ब्रैकेट के अंदर। और अभी हम जब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे उससे पहले ये देखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर और जो माइनस है वो और अंदर जो माइनस है वो दोनों मिलके जो है प्लस हो जाएगा, तो पहले उसको प्लस लिख लेंगे, 1/8 प्लस 1/12 लिख लेने के बाद में फिर से जो है 8 और 12 का एलसीएम जो है 24 होगा, 24 ऐसा नंबर है जो 8 के टेबल में भी आएगा और 12 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में 24 3 टाइम आएगा, इसलिए 1 × 3 होगा, और यहाँ पे 1 × 2 होगा, 1 × 2, फिर 3 × 1 = 3 प्लस 1/1 × 2 होगा / 24 होगा, सो 3 + 2 / 24 और 3 + 2 होगा 5 / 24 फाइनल आंसर इसका हमारे पास हमें जो मिल जाएगा, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर इतना ही होगा। नेक्स्ट जो 8th प्रॉब्लम आप लोगों के सामने है वो क्या है वो हम उसको देख लेते हैं। 7th प्रॉब्लम नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसका जो है पहले आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए।
मल्टीप्लाई करना आपको, मल्टीप्लाई 2 3/5 एंड 1 4/7, तो इसका आंसर क्या होगा? टू 3/5 इंटू 1 4/7, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 3/5 मिक्सड फ्रैक्शन है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 2 10 प्लस 3 13, 13/5 होगा, प्लस 7 1 7 प्लस 4 11/7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम उसको मिक्सड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में मल्टीप्लीकेशन का रूल हमें पता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 इंटू 11 करेंगे बाय 5 इंटू 7 करेंगे। 13 इंटू 11 जो है सिंपल वे है, देखिए कभी भी किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो एक शॉर्टकट तरीका है हमारे पास, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13 को लेंगे, 13 का जो यूनिट डिजिट है वो लिखेंगे, बाद में दोनों को ऐड करके लिखेंगे, 1 + 3 = 4 हो जाएगा, और 1 जो है वो सीधा लिख लेंगे आप, और यही जो है 13 इंटू 11 का आंसर होगा, और बाई 5 7 35। तो 11 के लिए जो शॉर्टकट मल्टीप्लीकेशन ट्रिक है, आप ऐसे 4-5 सम अपने मन से करके देखिए और आंसर चेक करके देखिए आपका आंसर सही मिल रहा है या नहीं। नेक्स्ट जो है 143 को हमने जो है डिवाइड किया 35 से, तो 4 × 140 ले लेंगे और 3/5 3/35 बच जाएगा उसके अंदर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज किया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर मिक्सड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आंसर में भी हम लोग उसको मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करके लिखेंगे। तो अगला प्रश्न 8th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी। 8th प्रॉब्लम, डिवाइड 7/36/35/81। तो इसको हम डिवाइड करेंगे अभी, सेवन बाई 36 डिवाइडेड बाई 35/81। जब भी डिवीजन करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही इसमें सावधानी से करना होगा। जब भी डिवीजन करते हैं तो एक रूल है, फ्रैक्शन का डिवीजन करते समय फर्स्ट फ्रैक्शन को ऐसे ही लिख लेंगे और डिवीजन वाले सिंबल को हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लेंगे। 35/81 को 81/35, यानी जब ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर है जिसे डिवाइड करने वाले हैं उसका रेसिप्रोकल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा, 81/35 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ये आपको समझना है। नेक्स्ट अभी जो है इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे, 81 9 के टेबल में है और 36 भी 9 के टेबल में डिविजिबल होगा, इसलिए 36 को हम जो है 9 × 4 लिख लेंगे और 81 को 9 × 9 लिख लेंगे, और ऊपर 9 और नीचे 9, ऊपर 7 और नीचे 1 7 कट हो जाएगा। फाइनली डिनोमिनेटर में 5 4 20 और ऊपर खाली 9 बचेगा, तो फाइनल आंसर होगा 9/20, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसको आप ऐसे ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 9th प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है फिल इन दी बॉक्सेस, ये जो है आप 6th 7th में आप अच्छी तरह से सीख के आए, कभी कभी 4th 5th में भी ऐसा सिखाते हैं, तो ये फिलअप कैसे करना है इसका आपको मैं आइडिया अभी बता देता हूँ। ऐसे सभी इक्वलेंट फ्रैक्शन है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सब इक्वलेंट फ्रैक्शन है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो सकता है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड कर लेने के बाद में हर एक फ्रैक्शन में जो फिलअप आपके लिए छोड़ा गया है उसको हम फिलअप करते हुए जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 9th सम है, -65/75 = 28/44 - 1/21 = 7/11। तो सबसे पहले जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमको मिला हुआ है उसको हम ले लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 2 के टेबल में 14 टाइम और बाद में 2 के टेबल में 44 जो है 22 टाइम्स।
फिर से 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे 14 7 टाइम और 22 11 टाइम, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला हमें 7 बाई 11। तो देखेंगे कोई भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 7 है क्या, तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 7 है उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 11 आ जाएगा, तो एक फिलअप आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है इसमें आप फर्स्ट फ्रैक्शन ले लेंगे और देखेंगे डिनोमिनेटर में 66 है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो 7 बाई 11 है उसके डिनोमिनेटर में 66 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42/66 मिलेगा। तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 66 है उसमें न्यूमरेटर 42 आ जाएगा, तो ऐसे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 70 चाहिए, तो जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 70 चाहिए तो वहाँ पे 7 है, 70 के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो उसके डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस न्यूमरेटर का 70 है न्यूमरेटर उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 110 होगा, ये हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 121 है, तो 7 बाई 11 लेके डिनोमिनेटर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 121 मिलेगा, हम उसको लेके मल्टीप्लाई करेंगे 11 जा 121 आएगा, तो 121 आ गया और न्यूमरेटर में 7 इंटू 11 77 आ जाएगा, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 121 है उसका न्यूमरेटर 77 होगा। तो इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई करके कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट 10th जो प्रॉब्लम है उसको आप ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लेंगे, क्वेश्चन समझने के बाद में आपको उसका मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगा। 10th क्वेश्चन है, इन ए सिटी 7/20 ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन एंड 1/4 आर चिल्ड्रन, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मेन। तो चिल्ड्रन और वुमेन का जो है फ्रैक्शन दिया हुआ है और मेन का फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है, तो इसका आंसर होगा अभी आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फ्रैक्शन ऑफ वुमेन पहले क्या दिया हुआ उसको लिख लेंगे, 7/20, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन 1/4, फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेन फाइंड करने के लिए होल से यानी पूरा से आप लोग जो है वुमेन और चिल्ड्रन के फ्रैक्शन को ऐड करके माइनस करेंगे, होल यानी वन, वन जो एक पूरा कंप्लीट होता है उसके लिए उसके बाद में आपको टोटल जो इसका डिनोमिनेटर आएगा सबसे बड़ा एलसीएम लेने के बाद में उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करेंगे, 1/4 को डिनोमिनेटर 20 लेके आके लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 7/20 है इसलिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए, तो आसानी से ऐड हो जाएगा। तो 7/20 1/4 को 5/20 हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे, 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/20 है, तो 7/20 प्लस 5/20 जो है 12/20 हो जाएगा। 1 को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 20 चाहिए हमें डिनोमिनेटर में, इसलिए 20/21 होगा, तो 21 को 20/20 लिख लेंगे और -12/20 लिखेंगे, 20-12 होल डिवाइड बाई 20 हो जाएगा और 8/20 हमें मिलेगा। 8/20 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 4/10, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2/5, इस प्रकार से सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिल जाएगा। तो अब तक जो 10 सवाल हमने सॉल्व किए हैं ये रीकैप है, यानी 8th स्टैंडर्ड में आने तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, रैशनल नंबर के लिए ज़रूरी है। फ्रैक्शन में आप सीख के आते हैं एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीज़न और ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो एक बार हमने इसको रिकॉल कर दिया है, तो जिन जिन बच्चों को ये 8th में आने तक अगर ये नहीं आ रही होती है चीज़ें, तो कम से कम अभी मौका मिला है वीडियो देख के सीखने का, तो इसको देख के आप सीखेंगे, एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसको टेस्ट लिख के देखेंगे, सारे वीडियो आप देखेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी देखेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी देखने के लिए कहेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे।